नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे खुद के मन की। दोस्तों, हमारे मन में दो प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं, एक सकारात्मक शक्ति पॉजिटिव पावर, दूसरी नकारात्मक शक्ति नेगेटिव पावर। पहली शक्ति आपको उजाले की तरफ जबकि दूसरी शक्ति अंधेरे की तरफ ले जाती है। दोस्तों, हमारा मन ही वो साधन है जिससे हम अपने जीवन को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा पाते हैं। हमारा मन इन दो शक्तियों के ही प्रभाव में रहता है। जिस शक्ति की भी प्रबलता ज़्यादा होती है, हमारी ज़िंदगी हमारा जीवन वैसा ही होता है। आपके मन में कौन सी शक्ति की प्रबलता है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हमें जान पाएंगे कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है। तो आइए जांचते हैं, जब आप स्वयं को निराश पाते हैं, स्वयं को असफल पाते हैं, खुद को अस्वस्थ पाते हैं, खुद को अकेला पाते हैं, आशाहीन पाते हैं, अपने आप को चंचल असंतुष्ट पाते हैं, स्वयं को क्रोधित पाते हैं, खुद को संदेह से भरा पाते हैं, खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं, खुद को दुखी पाते हैं, दूसरे को सुखी पाते हैं, आपका वर्तमान और आने वाला समय अंधेरा जैसा होता है, परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हों, आपको उसमें कमी नज़र आती है। आप समझ लीजिए, आपके मन में नकारात्मक शक्तियों का वास है। आइए अब हमारे मन की दूसरी शक्ति को परखते हैं। जब आप खुद को प्रसन्न पाते हैं, स्वयं को स्वस्थ पाते हैं, आशा से भरे होते हैं, स्थिर और संतुष्ट होते हैं, अकेलेपन में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों उसको अपने पुरुषार्थ से हल करते हैं, स्वयं को जीता हुआ महसूस करते हैं, हर समय लगता है कि आपके पास कोई है जो हर मदद को तैयार है। अगर आपके मन का लक्षण इस प्रकार का है तो समझिए आपके मन में सकारात्मक शक्ति की प्रबलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मन में स्थित ये दोनों प्रकार की शक्तियों को प्रबल और निष्क्रिय आप खुद करते रहते हैं। मतलब जब आप स्वयं को ना समझने की गलती करते हैं तो आप अपने बहुमूल्य विचारों की ऊर्जा अपनी नकारात्मक शक्तियों को खिलाते हैं। मतलब जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आपके मन की स्थितियाँ क्या हैं, आप स्वयं से पूछ रहे होते हैं क्या होगा क्या होगा, और डरते हुए आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। आप समझ लीजिए, आप अपनी ऊर्जा अपने मन में छुपी हुई नकारात्मक शक्तियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह डिस्टर्ब पाते हैं। मतलब आपके मन को कैप्चर कर लेती हैं ये नकारात्मक शक्तियाँ। उस वक्त आपके साथ साथ जानते हैं कौन चल रहा होता है, संदेह, डर, खुद को अयोग्य मानने की समझ। बिना खुद के कंट्रोल के आप डरते डरते ऑफिस में पहुंचते हैं। दोस्तों, रिजल्ट क्या होता है, आप फेल साबित होते हैं। आपका चयन भी किसी कारण हो गया तो भी आप ना खुद के लिए और ना उस कंपनी के लिए उपयोगी साबित होते हैं। आपके अंदर की नकारात्मक शक्ति उस ऑफिस में फैलती है और आप देखते हैं कुछ दिन बाद वो ऑफिस का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके विपरीत, जब आप में सकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं तो यही इंटरव्यू आपके लिए एक एंटरटेन साबित होता है। आपके सामने बैठा बॉस आपसे प्रभावित होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सफल होते हैं। दूसरे दिन जब आप ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो आपकी वजह से ऑफिस में एक अलग तरह का परिवर्तन नज़र आता है। आप खुद के लिए और उस कंपनी के लिए उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया, नकारात्मक शक्तियाँ अंधेरे और सकारात्मक शक्तियाँ उजाले की तरफ ले जाती हैं। जब हम अपने कामों में नेगेटिव पावर को मजबूत करते हैं तो वह हमारे लिए असफलता का मार्ग खोलती है, और जैसे हम अपनी पॉजिटिव पावर को मजबूत करते हैं तो हमारे लिए खोलती है सफलता का द्वार। वो काम जिससे नकारात्मक शक्ति बढ़ती है, झूठ बोलना, आलस्य, काम चोरी, चुगली करना, बोलने सुनने और देखने के द्वारा पाप, बुराई, क्रोध, घमंड, अपवित्रता, ये जितनी भी स्पिरिट है, ये सब आपके मन के नेगेटिव पावर को ऊर्जा खिलाने वाली वस्तुएं हैं। ये सब घृणित वस्तुएं आपके मन में अंधकार को बढ़ाती हैं, आपके जीवन की दिशा को मोड़कर आपको भयावह स्थिति में ले जाती हैं, जहाँ आपको मिलता है डर, संदेह, अयोग्यता, बीमारी, असफलता, गरीबी, मृत्यु और उससे भी अधिक। अब आइए पॉजिटिव पावर की बात करते हैं। वो काम जिससे पॉजिटिव पावर बढ़ती है, प्रार्थना, प्रेम, भलाई,
पवित्रता, ईमानदारी से भरा परिश्रम, नम्रता, अच्छी सूझबूझ, यही वो वस्तुएं हैं जो आपको बनाती हैं पावरफुल। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को पाकर आपके मन में छुपी पॉजिटिव पावर शक्तिशाली बनती है। यही आपके मन को उजाले से भर देती है, जहां आपको मिलती है सफलता, संपन्नता, आरोग्यता, सुखी जीवन और उससे भी आगे बहुत कुछ। तो दोस्तों, धोखा न खाएं, अपने मन में बुरी वस्तुएं ना भरें, अच्छे कामों से अपने को शुद्ध करें, उजाले की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।